लालू जी को केक खिलाया आपने? एक एक करके बोलो, एक एक केक भी काटे। कितना खुशी है? बहुत खुशी है। क्या सब मिला है बताओ, दिखाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 75वां जन्मदिन है और अभी हमारी मौजूदगी तेज प्रताप यादव के आवास पर है। आप देखिए, लालू की पाठशाला का आज से आगाज हो गया है। तेज प्रताप यादव की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और अभी अभी लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये आगाज है। इससे एक संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर लगातार उंगलियां उठती रही है, तो कहीं ना कहीं लालू की पाठशाला के माध्यम से तमाम जो वंचित बच्चे हैं, जिन तक शिक्षा व्यवस्था नहीं पहुंच पाती है, वो शिक्षा से दूर रह जाते हैं, तो उन्हें जोड़ने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या है पूरा कार्यक्रम बताइए, किस तरीके से आप लोग पूरे बिहार में जाएंगे, क्या काम करने वाले हैं? देखिए, बिहार में हमारे हर जिले में हमारे छात्र जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ता सदस्य हैं, उनके माध्यम से हम हमारे जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय नेताजी तेज प्रताप जी हैं, हर जिले का एक प्रभारी बनाया गया है और उन प्रभारी के माध्यम से जितने भी पंचायत हैं जिले में, उन सभी पंचायतों में लालू की पाठशाला का उद्घाटन किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। और जो भी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो किसी कारणवश पढ़ने में दिक्कत है, उन सभी को संसाधन हमारे लालू की पाठशाला की तरफ कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। लगातार लालू प्रसाद यादव अपने अंदाज से गरीब लोगों के बीच पहुंचने का काम करते हैं, क्या लगता है, क्या कुछ ऐसा भी संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, हमारे नेता तेज प्रताप यादव जी अपने पिता श्री यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के पद चिन्हों पे चलते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए उन्होंने उनके जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत किया है। और हम देखेंगे रिजल्ट बहुत ही जल्दी, हम सभी 8456 जो पंचायतें हैं बिहार के, सभी पंचायतों में इस कार्यक्रम को करेंगे और जल्द सफल बनाएंगे। तस्वीरें देखिए, तेज प्रताप यादव के आवास लालू प्रसाद यादव पहुंचे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं और लालू प्रसाद यादव इस समय बच्चों के बीच हैं। से निकल रहे हैं। लालू जी को केक खिलाया आपने? एक एक करके बोलो, एक एक केक भी काटे। कितना खुशी है? बहुत खुशी है। क्या सब मिला है बताओ, दिखाओ। अच्छा, कलम और कॉपी मिला है। लालू पाठशाला आप पढ़ोगे मन से? सोमवार से पढ़ोगे। कहाँ रहते हो? झुग्गी झोपड़ी में रहते हो। ये बताओ, लालू जी से प्यार करते हो? हाँ। सौरभ जी, कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे? देखिए, ये कितने ही बच्चे हैं, ये स्लम बस्ती के बच्चे हैं और यहाँ पे जो भी आए हैं शिक्षा पाने के लिए आए हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो गरीबों के मसीहा हैं, आज 75वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर लालू पाठशाला का शुभारंभ हुआ है। आप इन बच्चों के साथ में देखिए, इनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए यही बनेंगे देश के आईएएस आईपीएस, देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं, तो इनको आगे बढ़ाना ले जाना जरूरी है ताकि हमारा देश विकसित और विकास के कदम पर बढ़ते चले चला जाए और देश में अपना नाम। ये बच्चे हमारे विकास करेंगे क्योंकि यही देश के उज्जवल भविष्य है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज जो बच्चों को यहाँ जो बच्चे हैं और उनके लिए भी देखिए, जो छोटे बच्चे हैं हमारे तरफ से एक जो स्कूल होता है उसका भी प्रारंभ जो है देखिए यहाँ भी है। और हमारे यहाँ जो टीचर्स होंगे बच्चों को समझाने के लिए, देखिए ये आप जो अगर आप स्कूल जो प्ले स्कूल में जाते होंगे तो मॉर्निंग जिस तरीके से देखते होंगे, तो हमने भी उसी तर्ज पर बच्चों को खेल कूद के पढ़ाने की कोशिश की कर रहे हैं। आप देखिए हमारे यहाँ ये जो आप बैरिकेटेड देख रहे होंगे, जो अच्छे प्ले स्कूल में होता है वो सभी यहाँ पे व्यवस्था कराया गया है। और ये हमारे यहाँ देखिए ये जो कॉपी किताब है, ये देखिए
हमारे यहाँ फाइव से लेके नर्सरी से जो बच्चे प्लेस है टेंथ क्लास तक उसको पढ़ाया जाएगा। और ये देखिए, ये लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने लालू पाठशाला का शुभारंभ किया है। और आप देखिए कि इसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो चित्र है उसमें है, और हमारे नेता तेज प्रताप यादव जी बच्चों को प्रेरित करते हैं शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश को विकसित करने के लिए, बहुत बड़ा मुकाम है, ये स्तंभ है। क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी हमारा जो बच्चे हैं हम उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा देश भी विकास नहीं कर सकता है, ना आईएएस बने सकता है, ना आईपीएस बन सकता है। और बिहार की बात कर ले, बिहार की लोग को विद्वान की कमी नहीं है, बच्चों में विद्वानता होती है। हमारे देश हमारे बिहार से ही लगभग 60 या 40% बोल सकते हैं हर एग्जाम में, जैसे यूपीएससी एग्जाम में होता है आईएएस आईपीएस बनकर हम बिहार ही पहुँचते हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है और हमारी कोशिश है कि आज इसी पाठशाला के माध्यम से देश के आईएएस आईपीएस बनेंगे, देश के उच्च जो कि पद पर पहुंचेंगे, हमारा विकास का नाम जो लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।